इंटरेक्शन एनर्जी आपसे पूछा है और फाइव चार्जेस दिए हुए हैं, क्यू 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 क्यू, और एक्चुअली एक क्यू, एक माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, और ये भी माइनस क्यू, और पांचवा चार्ज है सेंटर पे और ये भी है क्यू का। इसकी साइड आपको ए दे रखी है। टोटल फाइव चार्जेस हैं, पेयर बना के एनर्जी यहाँ लिखी जाती है और नंबर ऑफ पेयर्स होता है एन एन माइनस वन पॉइंट टू। फाइव चार्जेस हैं तो फाइव इंटू फोर अपॉन टू यानी टेन पेयर्स बनने हैं। अब मैं एनर्जी लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो वन टू थ्री फोर, ये चार जो साइड वाले पेयर हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी मैं सबसे पहले लिखता हूं, और इनमें हर एक पेयर की एनर्जी निगेटिव है। इसकी भी निगेटिव, इसकी भी निगेटिव, इसकी भी निगेटिव और इसकी भी निगेटिव, तो ये हो गया फोर टाइम्स माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। इसके बाद दो पेयर बॉडी डायगोनल के हैं, ये और ये, इसकी एनर्जी देखोगे तो दोनों की एनर्जी पॉजिटिव है, तो प्लस टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, ठीक। तो ये हो गया सिक्स। अभी फोर पेयर्स और हैं, फोर कौन से हैं, इसके साथ में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, और इन चारों की एनर्जी में देखोगे तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव, इसकी निगेटिव, इसकी पॉजिटिव और इसकी निगेटिव, तो प्लस फोर इंटू जीरो। तो ओवरऑल जो एनर्जी आ गई इसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहां पर ऊपर आएगा रूट टू और यहां पे आएगा माइनस फोर, तो रूट टू माइनस फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए राइट आंसर हो गया।